हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंफ्लिक्चर्स। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं या उसके एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो आपको देना होता है। सो अंडर ग्रेजुएशन के लिए UET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए आपको PET यानी कि BHU PET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। सो यहाँ पे हम अंडर ग्रेजुएट के लिए बात करने वाले हैं, मतलब ये कि BHU UET एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उसके एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, एफिलेटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दो कैंपस है, एक है मेन कैंपस और एक है राजीव गांधी साउथ कैंपस जिसे RGSC भी कहते हैं। इसके अलावा 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस है, आर्य महिला PG कॉलेज, DAV डिग्री कॉलेज, वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंत कॉलेज फॉर वेमेन। सो ये सारे कॉलेजेस है जो BHU से एफिलिएटेड है। तो अगर आप BHU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं एंड उसे क्रैक करते हैं तो जो भी आपका रैंक होता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं और आप BHU के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिसके लिए आपको BHU UET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है और उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो UG कोर्सेज में आपका है BA ऑनर्स। BA ऑनर्स आप आर्ट्स या फिर सोशल साइंसेज से कर सकते हैं जिसके लिए क्लास 12th में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। नेक्स्ट है BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स आप फिनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट से कर सकते हैं और आप 12th अगर आपने पास कर लिया है मिनिमम 50% के साथ या फिर इसके इक्विवेलेंट को भी एग्जामिनेशन आपने दिया है तो भी आप एलिजिबल हो। क्लास 12th में आपके कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिनेंस या फिर फिनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है BSc ऑनर्स। BSc ऑनर्स आप मैथ्स ग्रुप या फिर बायो ग्रुप से कर सकते हैं। मैथ्स ग्रुप में आपका फिजिक्स मैथ्स होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो थर्ड सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड जियोग्राफी, इनमें से एक सब्जेक्ट हो सकता है और मिनिमम 50% होनी चाहिए। बायो ग्रुप के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होना कंपलसरी है और जो थर्ड सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी, जियोलॉजी या फिर जियोग्राफी हो सकता है, मिनिमम अगेन 50% होनी चाहिए। शास्त्रीय ऑनर्स करने के लिए आपने मध्यम एग्जामिनेशन BHU से किया है या फिर आपने उत्तर मध्यम, UPA शास्त्री, इंटरमीडिएट या 12th आपने पास किया है मिनिमम 50% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है BEd या फिर BEd स्पेशल एजुकेशन। तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया है, कम से कम 50% है आपके 3 सब्जेक्ट में, ठीक है, और एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके स्कूल एंड ग्रेजुएशन में कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट है BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर के लिए क्लास 12th आपने एग्रीकल्चर से किया है या फिर आपके क्लास 12th में PCM PCB स्ट्रीम है और मिनिमम 50% है तो आप एलिजिबल हो। और ST SC के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग होगा। अगला है बैच ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जो कि आपका 5 ईयर्स का कोर्स है और इसके लिए क्लास 12th में आपके PCB स्ट्रीम होनी चाहिए और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 50% होनी चाहिए आपके क्लास 12th में। नेक्स्ट है LLB। तो ये जो LLB है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप 3 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं जिसके लिए आपने BA BSc BCom या फिर शास्त्रीय कोर्स किया हो, ठीक है, कम से कम 50% होनी चाहिए। नेक्स्ट है बैच ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि 1 साल का है। इसके अलावा जो UG कोर्सेज है वो है बैच ऑफ म्यूजिक। बैच ऑफ म्यूजिक आप अलग अलग स्पेशलाइजेशन से कर सकते हैं, लाइक आप इंस्ट्रूमेंटल फ्लूट से कर सकते हैं, वॉयलिन, तबला, ठीक है, तो ये स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद है BPA परफॉर्मिंग आर्ट्स। BPA कर सकते हैं आप डांस, कत्थक से इंडियन क्लासिकल डांस, इसके अलावा आप भरतनाट्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। बैच ऑफ म्यूज़िक आप वोकल नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से कर सकते हैं। BFA कर सकते हैं जो कि 4 साल का होता है जिसके लिए आपके क्लास 12th में मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो कोर्सेज है उसके लिए आपको नीट एग्जामिनेशन देना होता है और नीट के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। सो MBBS, BDS, BAMS, BNYS, BPharma एंड BSc नर्सिंग, तो इन कोर्सेज के लिए आपको नीट एग्जामिनेशन देना होगा। सो ये सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं BHU एंड BHU के एफिलेटेड कॉलेजेस में। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कम्प्लीटली आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट एग्जामिनेशन पैटर्न है, बट स्टिल यहाँ पे मैं कॉमन चीज़ें आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल 150 और 120 मिनट्स आपको एग्जामिनेशन के लिए
मिलेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपके कोर्स पे, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, ठीक है, एंड नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। 1 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी कोर्स का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हर एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और यहाँ पे 1 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका लैंग्वेज है उसमें आपको इंग्लिश का ऑप्शन है, ठीक है। कुछ पोर्शन है या कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिलेगा, बट मोस्टली आपका एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में ही होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। सो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है BHU UET या फिर BHU PET का। सो बेसिकली आपका जो एग्जामिनेशन है वो अप्रैल मई के मंथ में हो जाता है, तो लास्ट वीक ऑफ June 2021 का डेट था, मतलब एक्सपेक्टेड डेट था कि आपका BHU UET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो फिलहाल नहीं आया है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आने के चांसेस है। तो जब भी आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है BHU UET एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।